हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। एक्चुअली अभी हो रही है गुड मॉर्निंग, लेकिन जब तक आप वीडियो देखो तब तक तो गुड इवनिंग हो जाती है। तो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं, एक्चुअली थोड़ा सा मुझे काम है अपना, थोड़ा पर्सनल, तो SDM ऑफिस जाना है जो कि पड़ता है द्वारका सेक्टर 10 में। हाँ, द्वारका सेक्टर 10 में पड़ता है, तो आज वहाँ जाना है, थोड़ा बहुत काम वगैरह वो निपटाना है। और पशु गुम्मी गुम्मी चलेगा? हाँ, गुम्मी गुम्मी चलेगा। गुम्मी गुम्मी की नाप एकदम छटक जाती है, इसका मुंह देखना। पशु गुम्मी गुम्मी चलेगी? पशु सेफ्टी क्यों करा रही कैमरे का, बोल बेटे। हाँ, गुम्मी गुम्मी चलेगा? पशु गुम्मी गुम्मी चलेगा? इसको पता लग रहा है कि मेरा फोन उठा रखा है सामने, तो कैमरे का यूज हो रहा है। ये बिल्कुल अनकम्फर्टेबल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करना। तो गाइस, अब चलते हैं, थोड़ी डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटोकॉपी करानी है, पहले चलते हैं फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं। मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ, डायरेक्ट SDM ऑफिस में। हाय हाय, गो बाय, मिलता हूँ फिर से। रेडी हुए थे बाहर जाने के लिए और अचानक से बारिश। किस्मत तो देखो, एकदम टिप टॉप रेडी हो गए, सेट करें, चलते हैं बाहर, देखते हैं बारिश हो। दिखाता हूँ, ये देखो, क्या क्या सोचा था और क्या एकदम से, मतलब जितनी ज्यादा लाइट उतनी अच्छी क्वालिटी, जितनी ज्यादा लाइट उतनी अच्छी क्वालिटी। तो बारिश शुरू हो गई, कुछ नहीं करने को। मम्मी ने कहा खाना खाओ पहले, हम बैठ के खाना दे दिया, खाना खाओ बैठ के पहले, चल खाना खाते हैं, रोटी सब्जी। तो गाइस फाइनली अब जाके बारिश रुक गई है, ज़्यादा देर तो हुई नहीं, इतने मैंने खाना खाया और बारिश रुक गई। तो अब फटाफट चलते हैं SDM ऑफिस और वहाँ से फटाफट अपना काम कराते हैं। Few moments later. तो गाइस फिलहाल मैं और आया हूँ जाके द्वारका, बट किस्मत जैसे कहते हैं ना, मेरी नहीं उनकी खराब थी कि मुझसे नहीं मिल पाए, क्योंकि टाइमिंग कोविड की वजह से टाइमिंग कर दिया चेंज। मेरे पास था 2 से 3 बजे का, ठीक है कि मैं 2 से 3 बजे तक जा सकता हूँ, 2 से 3 बजे के बीच में अपॉइंटमेंट है, मैं जा सकता हूँ। लेकिन हुआ ये कि गया, थोड़ी देर में वहाँ जाके पता चला कि गेट पे गार्ड बैठा है, कहता है भैया आप ऐसा करो कि कल आना और 10 से 1 बजे का टाइमिंग हो चुका है। अब वो टाइमिंग हटा दिया गया है, पुराने वाला, पहले वाला, कोविड की वजह से। मैंने कहा तो यार एक कम से कम उसमें अपडेट कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। तो और अगर अपडेट नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक यार मेल डाल दिया करो अलग से, नहीं हो सकता तो। क्योंकि देखो यार गाइस, ऐसे दिक्कत हो जाती है, कैसे कैसे लोग वहाँ पे जाते हैं फलाना ढिलकाना, बट फिर भी स्टिल। तो अभी बातचीत करी है, बोला हुआ है, फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलने लगा वहाँ पर, मतलब खड़ा हो गए तो बोलने लगा अभी आप तो बहस करने पे आ गए हो, ये वो। मैंने कहा चलो छोड़ो, किसी को कोई चीज़ अगर बोल दो कि वो आगे अपडेट कर सके तो लगता है कि बहस करना आ गया, चलो ठीक है बहस नहीं, ठीक है। तो फिलहाल कल जाना पड़ेगा दोबारा से मुझे 10 से 1 बजे के बीच में, मैं सोचता हूँ सुबह निकलूँ 11 बजे के आसपास जाते। देखो एक दिन बाहर निकले नहीं और पिंपल एक दिन में, विद इन अ डे। चलो खैर कोई नहीं गाइस, देखते हैं। वशु ने आज मेरे पे बहुत गुस्सा करा, बहुत गुस्सा करा। वशु मेरे पे गुस्सा करेगा? गुस्सा करेगा मेरे पे? बोल सॉरी,
बोल सॉरी, बोल बोलो सॉरी बोलो। देखो कैमरे के सामने ऐसे करता है। वशु गुस्सा करेगा मेरे पे हैं? गंदी बात ना, बड़े भैया पे गुस्सा करते हैं। उसको डांट रहा हूँ, देखो 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 हरकतें, देखो इसकी डांटने में, देखो लाड़। गुस्सा करेगा मेरे पे हैं? ऐसे गुस्सा करते है कोई बड़ों पे? देखो 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 ड्रामे, देखो इसकी कंपनी के, हाँ मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा शेर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी ऐसे ही। हरकतें देखते इसकी, मतलब क्या बोले बच्चा, कोई बात नहीं। कांपना शुरू कर देती चिल्लाते, और वैसे अभी गुस्सा कर रही थी मम्मी बैठी थी अंदर, तत्ते इतने चिल्ला चिल्ला के गुस्सा कर रही थी अभी मम्मी के सामने। और अभी देखो इसकी हरकत है, देखो कहाँ बैठी है, ये देखो पैर पे बैठी मेरे, तो ये तो हाल है इसके। चलो कोई बात नहीं, देख ये देख गुस्सा कर दे, गुस्सा कर दे कैमरे पे, गुस्सा कर दे, गुस्सा कर दे। तो जस्ट नहा के आए थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले क्या करते हैं, आपको बता देता हूँ कि कैसा कैसा सीन हुआ। मैंने हाथ भी नहीं बांधा तब तक, जो ये वाला जॉइंट है ना, इस सेकंड वाला, फर्स्ट ये सेकंड वाला, इस पे पेन होता है, इसमें यहाँ से और अंदर की साइड से इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उसकी वजह से कंटिन्यू पेन रहता है। मुझे लगा थोड़ा टाइम में रिलीफ मिलेगा, बट अभी भी पेन हो रहा है। तो मैं दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे बांधता हूँ इसको आज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मूव लगाते हैं, और मूव भी ऑलमोस्ट पूरी ख़त्म हो गई है, ठीक है। थोड़ी सी ऊपर की साइड लगाई, यहाँ पे ला दूँगा, थोड़ी सी नीचे की साइड लगाई, ठीक है। ये भी इसमें भी उसके से एक बार का हॉल हो गई, इसमें बच्चे एक बार और यूज़ हो सकती है, मतलब रात में एक बार और बांध सकता हूँ। कैसे मसाज करी हल्की सी, थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। डन। तो ये सिंपल सा ऐसे करते हैं, ऐसे बांधते हैं इसको, काफ़ी इजी है, ठीक है। अभी ये मुठा यहाँ से ऐसे मुड़ेगा नहीं, इस जगह से जो मेन पॉइंट है मेरी तरफ से, ये मुड़ेगा नहीं, ये मुड़े को बांधते हैं, पर ये नहीं मुड़ना चाहिए। तो गाइस ये काफ़ी सिंपल था, काफ़ी इजी था, काफ़ी आसान था, राइट। तो गाइस एक फ्रेंड का कॉल आ गया था उसके बाद, तो मैं थोड़ी देर लेटा और एकदम से नींद से आ गई। काफ़ी दिनों बाद जब बाहर निकलते ना, चाहे थोड़ा सा दिनों बाहर निकलते तो आप थक जाते हो, लाइक अपनी बॉडी रेस्ट आने के, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं थक गया उसके बाद, रेस्ट हो गया ऐसे। अब उठाओ रन, 5 बज रहे हैं, आप बैठते हैं, राइट। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।